सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो बट आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो नहीं हो पा रही है तो आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोन से कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पे आना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपको आ जाना है डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क, आपको इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद फिर अब आपको वो सिम सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप जो है कि कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिससे भी अपना जो कि कॉल करते हो, डाटा यूज़ करते हो, उसको सिम वन में ही आप डालिए। उसके बाद अब आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने की इसकी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है नेटवर्क मोड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और अब आपको अगर मान लीजिए आपका पहले से ही 4G सिलेक्ट था तो अब आपको इसको जो 3G और 2G इसको आप करके देख रहे हैं और फिर आपको ट्राई करना है। अगर फिर भी ना हो तो आपको यहाँ पर 3G या फिर 4G ओनली करके आपको देख लेना है। उसके बाद फिर अब आपको यहाँ पर जो वाईफाई कॉलिंग है इसको ऑन रखना है, डाटा रोमिंग आपको ऑन रखना है और जो वोल्ट HD कॉल है इसको भी आपको यहाँ से ऑन रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सिम होगा उसका नाम यहाँ पर दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखते हो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मैंने कर रखा है इसको, तो आपको भी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना है। जैसे आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हो उसके बाद अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और आपको मैं बता दूँ, आपको जो यहाँ पर जो सेकेंड सिम लगा है इसको एक बार आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आपको जो कि कॉल करने के लिए ट्राई करना है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ से ये इनेबल है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप कॉल कीजिए, अगर फिर भी नहीं होता तो आप अपना जो कि एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपका जो कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल होने में जो दिक्कत आ रही थी वो अभी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो पा रही तो आप इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने इतना सारा कुछ कर लिया उसके बाद भी नहीं हो रही तो आप बताइए कि क्या कारण है, किस वजह से नहीं हो रहा। अगर आपको वहाँ पर कुछ एरर लिख के आता है या फिर कुछ वहाँ पर बताता है तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या वहाँ पर नोटिस मिल रहा है कि आपको किस वजह से आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो पा रही है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना, जिसके पास आप कॉल कर रहे हो उसके फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए और आपके फ़ोन में भी बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद ही कॉन्फ्रेंस कॉल हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।